Hello all, I Jatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag JatinSir, hashtag A2ZSoftTech. Now, let's start with the topic. So today we are going to discuss auxiliary memory. Auxiliary memory is also called as secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है सिस्टम में? हमने पहले मेमोरी हायरार्की पढ़ा था. मेमोरी हायरार्की में हमने देखा था वेरी लार्ज इन स्पेस, वेरी स्लो इन स्पीड. लार्ज इन स्पेस, स्लो इन स्पीड आर कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी. कौन कौन सी हो सकती है? सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप. सीडी में 700 MB डेटा आ सकता है. ओके, डीवीडी में 4.5 GB, हार्ड डिस्क में 1000 GB, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप में भी हार्ड डिस्क से भी ज्यादा डेटा आ सकता है. एक नई कैटेगरी जो आजकल आप लोग यूज भी करते हो, दैट इज SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी. ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी? एज यू नो, the data is very very vastly increasing. Means आप चाहते हो कि आपके पास ये photograph भी रहे, ये movie भी रहे, ये song भी रहे, ये file भी रहे, वो file भी रहे. So just to store all these things, you need memory capacity. Okay? But you cannot store these things in your RAM. Why? Because RAM is volatile. जब तक power supply रहेगी तब तक तो RAM में content रहेगा, but जैसे ही power supply जाएगी रैम का कंटेंट फ्लश आउट हो जाएगा. तो रैम में तो आप ये सेव नहीं कर सकते. अब बचता है उसके बाद रोम. रोम जो है आप यूज कर सकते हो, बट रोम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पहले लिखी हुई मिलेगी या तो आपको, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज डबल ईप्रोम पेन ड्राइव. ओके, पेन ड्राइव के साथ इशू क्या है कि पेन ड्राइव जो है वो आपके पास लिमिटेड स्पेस में आएगी. ऑल्सो इट इज वेरी हैंडी. सो यू नीड अ स्टेबल मेमोरी जो कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट रहे. हार्ड डिस्क की जरूरत क्या है? जिसमें आपने सारा सिस्टम अपना एक बार इंस्टॉल किया और उसी के अंदर सेव कर दिया. ओके, जो बार बार प्लग इन प्लग आउट ना करे, सो दैट रिलायबिलिटी रहे. आपकी हार्ड डिस्क अगर आपने देखा होगा तो वो बहुत रेयरली खराब होती है, बट पेन ड्राइव बहुत जनरली खराब हो जाती है. सीडीज बहुत जनरली खराब हो जाती है. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक कैसे, कौन कौन सी हो सकती है? एक्सेस मोड, कैसे उसको एक्सेस करोगे, कितने टाइम में एक्सेस होगा. मतलब आपने रिक्वेस्ट करी कि हाँ मुझे ये फाइल एक्सेस करनी है और 2 दिन के बाद वो फाइल आई आपके पास, दैट इज एक्सेस टाइम. बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. ट्रांसफर रेट, एक फाइल कॉपी करने में आपको 2 दिन लग गए, नो. ट्रांसफर रेट भी आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. कैपेसिटी, हाँ कैपेसिटी जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है. कॉस्ट, जितनी कम हो उतना अच्छा है. ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर आप किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को पॉइंट्स दे सकते हैं या चूज कर सकते हैं. द फर्स्ट इज एक्सेस टाइम. एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी. एक्सेस टाइम का मतलब क्या हो गया? अगर आपको उस पर्टिकुलर देखिए किसी लोकेशन को एक्सेस करना है, रीड करना है, तो कितना टाइम आपको जनरली लगता है, दैट इज द एक्सेस टाइम. एवरेज एक्सेस टाइम, एवरेज टाइम टू एक्सेस द लोकेशन, दैट इज एक्सेस टाइम. सीक टाइम, सीक बार होता है अगर कोई फाइल वगैरह प्ले करते हो ना, सीक बार. सीक टाइम क्या होता है? यूज इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस. इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल दो चीजें यूज करती हों, लाइक हार्ड डिस्क, लाइक ऑप्टिकल डिस्क, लाइक
मैग्नेटिक टेप. ओके, वाई मैकेनिकल, बिकॉज ये एक स्पिंडल पर रोटेट करती है, डिस्क जो है, टेप जो है वो भी रोटेट कर रही है, तो ये मैकेनिकल है, मींस मशीन लग रही है उसको रोटेट कराने के लिए, मोटर लग रही है उसको रोटेट करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी वो यूज हो रहा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कहते हैं इसको. ओके, नाउ सीक टाइम इज रिक्वायर्ड टू पोजिशन द रीड राइट हेड. सीक टाइम क्या होता है आपको, एवरेज एक्सेस टाइम. एक्सेस टाइम मीन्स हाँ लोकेशन तो मिल जाएगी आपको, बट अब उस लोकेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा. रिक्वायर्ड टू पोजिशन द रीड राइट हेड. रीड राइट हेड क्या होता है, सीडी ड्राइव में जो लैपटॉप का सीडी ड्राइव होता है या डेस्कटॉप का सीडी ड्राइव होता है, कभी आप उसको भी देखिएगा, सीडी बाहर निकालेगा उसमें एक लेंस होता है, दैट लेंस जो होता है उसको हम रीड राइट हेड बोलते हैं, बिकॉज दैट लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन. राइट भी उसी लेंस से होगा, रीड भी उसी लेंस से होगा. ओके, सो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू पोजिशन द रीड राइट हेड टू अ लोकेशन. टू अ लोकेशन, ओके, मीन्स किसी लोकेशन तक पहुंचने में उस लेंस को कितना टाइम लगेगा, दैट इज द सीक टाइम. ओके, नेक्स्ट इज लेटेंसी. लेटेंसी, लेटेंसी इज अ टाइम टू रीच. ये डिफरेंस जो एक एक दो दो नंबर में पूछी जा सकती है, तो ध्यान से समझिए प्लीज. लेटेंसी इज अ टाइम टू रीच पर्टिकुलर सेक्टर अंडर रीड राइट हेड. अंडर रीड राइट हेड, देखिए मेमोरी लोकेशन को एक बहुत ज्योग्राफिकल एरिया में मान लीजिए, लाइक एक शहर की तरह मान लेते हैं हम. ओके, उसके अंदर आपके पास लाइक गाजियाबाद एक शहर है, उस गाजियाबाद शहर के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना है. ओके, आपको एक मॉल में जाना है, उस मॉल को ढूंढने में आपको कहाँ गाजियाबाद के किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम कितनी देर लग सकती है. ओके, या रेलवे स्टेशन जाना है तो गाजियाबाद के किसी भी पॉइंट से कहीं पर भी खड़े हो आपको रेलवे स्टेशन जाने में एवरेज टू एवरेज 20 से 25 मिनट लगेंगे. सो एक्सेस टाइम क्या होगा, 25 मिनट. सी, अगर आप पर्टिकुलर एक पोजीशन से एक ही तरह के व्हीकल में साइकिल से जा रहे हो एंड यू कमिंग फ्रॉम काइट, काइट से आप साइकिल पर रेलवे स्टेशन तक जा रहे हो, देन इट विल टेक सम टाइम, दैट इज अ सीक टाइम, क्योंकि उस केस में आपको रीराइट हेड को वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर पोजीशन से. लेटेंसी कम क्या है, अब रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो सबसे पहले मिल जाएगा आपको, बट प्लेटफॉर्म 7 जो है वो और आगे मिलेगा. तो लेटेंसी क्या है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन, एक ज्योग्राफिकल एरिया सेलेक्ट कर लिया आपने रेलवे स्टेशन, बट उसमें भी आपको किसी पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पर पहुंचना है, दैट इज द लेटेंसी. मीन्स 25 मिनट में आप स्टेशन तो पहुंच गए, बट स्टेशन पर आप प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक नहीं पहुंचे. तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगेगा, एक्सेस टाइम प्लस लेटेंसी, फर्दर 2.5 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो लगेंगे. सो एक्सेस टाइम प्लस लेटेंसी, क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर टाइम. अब वहां पहुंचने के बाद जितनी देर में आपका कम्युनिकेशन होगा, आप ट्रेन में बैठे हो या कोई आ रहा है उसको साथ लेके आ रहे हो, या आप कोई सामान देने गए हो सामान लेने गए हो, तो जितनी देर में वो एक डेटा एक्सचेंज होगा, दैट इज ट्रांसफर टाइम. रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा टू और फ्रॉम द डिवाइस. आप डेटा दे भी रहे हो, डेटा ले भी रहे हो. ओके, टू एंड फ्रॉम में क्या, टू एंड फ्रॉम में क्या होगा, ट्रांसफर टाइम में क्या आएगा, जो भी डेटा जितनी देर में आपने रिसीव किया सेंड किया, दैट इज योर ट्रांसफर टाइम. ओके, नाउ बिकॉज सीक टाइम इज मच लॉन्गर देन ट्रांसफर टाइम, ऑक्सिलरी स्टोरेज इज ऑर्गेनाइज्ड इन रिकॉर्ड्स और ब्लॉक्स. What is the meaning of this? In case of auxiliary memories, seek time is much longer than the transfer time. Seek time क्या होता है? किसी particular position पर उस read write head को पहुंचना. So ये बहुत ज्यादा होता है, because auxiliary memory का मतलब क्या है? बहुत large space, TBs, GBs में अगर space है आपके पास, तो आप किस particular position पर जा रहे हो, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही टाइम लगेगा. सो सीक टाइम ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, ऑक्सिलरी मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन रिकॉर्ड और ब्लॉक, उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स पर डिवाइड कर देते हैं. ओके, लाइक आपका एक एरिया है, कोई आपका लाइक सोसाइटी है, सोसाइटी में ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी.
अब आप एक कॉमन पॉइंट पर खड़े हो, अब आपको पता है ब्लॉक ए तक जाना है, ब्लॉक बी तक जाना है, ब्लॉक सी तक जाना है। ब्लॉक तक जाने का टाइम तो कॉमन हो सकता है, उसके आगे फर्दर जो ब्लॉक के अंदर है उसको आप सीक टाइम से नहीं लेटेंसी से कैलकुलेट कर लोगे। तो सीक टाइम को आपने शॉर्ट कर दिया किससे, एक्सेस प्लस लेटेंसी से। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन जाओगे तो वो सीक टाइम ज्यादा होगा। सीक टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या किया आपने, ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। ब्लॉक्स क्या करेंगे, अब किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर आपने एक्सेस करना है तो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, तो सभी ब्लॉक्स को पहुंचने में तो कॉमन टाइम लगा। उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जिस लोकेशन पर जाना है वो लेटेंसी से, तो एक्सेस टाइम प्लस लेटेंसी से आप उस पर्टिकुलर टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड्स। हर एक 10 वर्ड का मतलब एक रिकॉर्ड, हर एक 20 वर्ड का मतलब एक रिकॉर्ड। तो वो जब आप मेमोरी बना रहे हो तो उस टाइम पर आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने वर्ड का रिकॉर्ड आप बनाना है। कितना डेटा एक साथ ट्रांसफर होगा, दैट इज ट्रांसफर रेट। ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड्स दैट अ डिवाइस कैन ट्रांसफर पर सेकेंड। जब आप पेन ड्राइव से कोई डेटा हार्ड डिस्क में या हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में कॉपी करते हो तो दिखाता है 5 MB/s, 6 MB/s। इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तब भी ऐसा है। तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या वर्ड्स है, वो जो वर्ड्स और कैरेक्टर्स है वो बिट और बाइट में मेजर कर सकते हैं, पर सेकेंड में कितने जा रहे हैं, दैट इज योर ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका ऑपरेशन जल्दी परफॉर्म होगा, मीन्स उतना ही एफिशिएंट होगा वो डिवाइस। ट्रांसफर रेट जितना ज्यादा होगा, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स में ये पूछा जा सकता है, एक्सेस टाइम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या दो डिवाइस के पास एक रैम है और एक आपके पास हार्ड ड्राइव है, ओके, दोनों में से एक्सेस टाइम किसका कम है, कॉस्ट किसकी ज्यादा है। ओके, सो इनको ध्यान से समझिए। ट्रांसफर रेट जो होगा, ट्रांसफर रेट मतलब किस रेट पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। और डेटा ट्रांसफर जब भी आप कॉपी करना लगाते हो ना, तो स्टार्टिंग में एकदम से कॉपी नहीं होता, वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट भी लगते हैं कभी। अगर बहुत ज्यादा डेटा कॉपी कर रहे हो तो कई बार वो वेट स्टेट में कैलकुलेटिंग लिखा हुआ आता है, वो क्या करता है, वो उतनी देर वो पोजिशन नोट करता है कि कहाँ कॉपी करना है, लोकेशन कहाँ है, आफ्टर इट हैज बीन पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड। सबसे पहले वो लोकेशन फाइंड आउट कर लेगा, लोकेशन फाइंड आउट कर रहा है जितनी देर में उतनी देर में वो कैलकुलेट करेगा, बिकॉज लोकेशन फाइंड आउट करना यानी कि सीक टाइम वो कितना भी होता है उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहेंगे, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी। मैग्नेटिक ड्रम भी एक तरह की डिवाइस है, ऑक्सिलरी मेमोरी की तरह ये भी काम करती है जैसे डिस्क काम करती है, ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क। ओके, इसमें क्या है, ड्रम का मतलब क्या होता है, एक हाई स्पीड शाफ्ट होती है, हाई स्पीड रोटेटिंग सरफेस कोटेड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम। ओके, दिस मैग्नेटिक ड्रम इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स। दिस मैग्नेटिक ड्रम इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स। वो क्या करते हैं, लेजर प्रिंटर में क्या होता है, एक बहुत हाई स्पीड रॉड शाफ्ट होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोट होती है। जब प्रिंटर के पास कमांड आती है तो क्या करता है, वो सारा का सारा जो भी कमांड आती है वो उसकी मैग्नेटिक सरफेस के ऊपर आती है, इंक पोजेस होती है और वो उस इंक को एकदम हाई टेम्परेचर के साथ पेपर के ऊपर पोजेस कर देता है। यू विल सी कभी भी एकदम प्रिंट आउट निकलता है ना गर्म है पेज, वो हीट की वजह से गर्म होता है। अगर आप उसको उसी टाइम साफ कर दो ना तो इंक उतर सकती है, आफ्टर सम टाइम दैट एब्जॉर्ब, वो पेपर के ऊपर परमानेंट हो जाती है। ओके, मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है, एक हाई स्पीड रोटेटिंग सरफेस होती है कोटेड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम। दैट रोटेटिंग सरफेस ऑफ अ ड्रम इज सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप होगी। रिकॉर्डिंग सरफेस, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, जिस पर डेटा लिखा जाएगा, रिकॉर्डिंग का मतलब पर डेटा सेव हो सकता है, डेटा लिखा जा सकता है, दैट इज अ रिकॉर्डिंग सरफेस। इट रोटेट्स एट यूनिफॉर्म स्पीड एंड इज नॉट स्टार्टेड और स्टॉप ड्यूरिंग सेस ऑपरेशन। ओके, समटाइम्स आपने देखा होगा अगर लेजर प्रिंटर का है, एक बार प्रिंट आउट स्टार्ट हो जाता है तो पूरा प्रिंट आउट निकलता है, आप उसको बीच में कितना भी रोक लो वो पर्टिकुलर पेज पूरा निकलेगा, अगला पेज स्टॉप हो जाएगा। बीच में किसी वजह से अगर वो रुकता है तो कागज फंस जाता है, वह फट जाता है, वो बेसिकली क्या है, अगर ऑपरेशन को आप बीच में हॉल्ट कर रहे हो इन दैट केस। बिट्स एज रिकॉर्डेड एज मैग्नेटिक स्पॉट्स। ओके, जो बिट्स हैं, जो डेटा है, वो क्या एक स्पॉट की तरह बनाया हुआ है, डॉट की तरह, ठीक है।
अगर ए लिखना है आपको तो मल्टीपल डॉट्स इन द शेप ऑफ ए हैज बीन रिटन ओवर देयर ऑन द सरफेस, दैट इज नोन एज राइट हेड. ओके, उसको क्या कहेंगे, राइट हेड. रीड हेड क्या होगा, स्टोर बिट्स आर डिटेक्टेड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. स्टोर्ड बिट्स आर डिटेक्टेड बाय अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप मैग्नेटिक इंक यूज कर रहे हो मैग्नेटिक ड्रम में, तो मैग्नेटिक फील्ड से बिट्स को डिटेक्ट करेगा, कहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, किस शेप में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसको डिटेक्ट करेगा. उसका लॉजिक अलग है बिल्कुल. ओके, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉर्डेड स्पॉट ऑन द सरफेस एज इट पासिस थ्रू रीड हेड. जैसे वो रीड हेड से जाएगा, रीड हेड से पास होगा, वहां पर वो चेक का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कहाँ हो रहा है, किस शेप में, किस साइज में चेंज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली रीड हेड पर वो डेटा को रीड करेगा. मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन अ डिस्क देन ऑन अ ड्रम ऑफ कंपेरेबल साइज. सो डिस्क हैव रिप्लेस ड्रम्स. अगर डिस्क और ड्रम को कंपेयर करें, दोनों के सेम साइज होंगे, तो आप डिस्क के ऊपर ज्यादा डेटा लिख सकते हो एज कंपेयर टू ड्रम्स. दैट्स वाई मैग्नेट ड्रम्स आर नॉट इन यूज राइट नाउ. मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क हैव रिप्लेस्ड देम. मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स हैव रिप्लेस्ड देम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, फ्लॉपी ड्राइव में होती है. फ्लॉपी एक स्टोरेज मीडियम था, पहले यूज होता था, अब नहीं होता. ग्रामोफोन्स, ब्लैक कलर के बड़े जो है, बड़ी बड़ी डिस्क होती थी ब्लैक कलर की, मूवीज वगैरह में दिखाई जाती है, जिसको लगा के वो सॉन्ग प्ले करते थे, म्यूजिक प्ले करते थे, दैट इज अ मैग्नेटिक डिस्क. ओके, उनको रिकॉर्ड भी बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डेटा सेव किया जा सकता है. नाउ मैग्नेटिक डिस्क इज अ सर्कुलर प्लेट. एक सर्कुलर प्लेट होती है कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटाइज्ड मटेरियल. ओके, या तो किसी मेटल की प्लेट बनेगी, उसके ऊपर जो है मैग्नेटाइज्ड मटेरियल लगा देंगे, या प्लास्टिक की बनेगी तो भी उसके ऊपर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल लगा सकते हैं. मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का मतलब क्या है, जिसमें आप मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर और रीड कर सकते हो. नाउ दिस इज लाइक इस तरह से होती है, जो आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह रहती है, एक स्पिंडल, बीच में एक शाफ्ट है, उसके ऊपर अलग अलग प्लेटर्स लगे होते हैं. इनको प्लेटर्स या प्लेट्स भी बोलते हैं, प्लेट्स या प्लेटर्स, डिस्क प्लेट, डिस्क प्लेट. डिस्क प्लेट्स आर बोथ साइडेड रीड एंड राइट. ये टॉप साइड भी और इसका बॉटम साइड भी, दोनों साइड ये रीड राइट हो सकती हैं, दोनों साइड रीड राइट हो सकती हैं. डिस्क ऊपर वाली तरफ से भी, यहाँ टॉप से लेकर, मतलब अगर ये तीन डिस्क हैं तो इसमें कितनी साइड्स होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 साइड्स हैं जहां पर आप डेटा को लिख सकते हो और जहां पर डेटा आप राइट कर सकते हो और रीड कर सकते हो. ओके, दीज डिस्क आर मेड अप ऑफ आइदर स्टील मीन्स मेटल और प्लास्टिक. जो सीडी होती हैं, सीडीज जो है वो प्लास्टिक की बनी होती हैं, जो सीडीज हैं वो प्लास्टिक की बनी होती हैं, वेयर एज जो हार्ड ड्राइव या एसएसडी है वो सब आपकी मेटल से बनी होती हैं. ओके, सीडी डीवीडी ये सब प्लास्टिक से बनती हैं. हार्ड ड्राइव के अंदर जो प्लेट्स लगी होती हैं वो मेटल की होती हैं, बिकॉज वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको एक्सेस करनी होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है. कॉस्ट उसकी इसीलिए ज्यादा होती है बिकॉज वहां पर मेटेलिक डिस्क यूज होती है. ओके, मेटेलिक डिस्क इसलिए यूज की जाती है ताकि उसकी लाइफ भी ज्यादा रहे, प्लास्टिक की लाइफ से ज्यादा मेटल की लाइफ. नाउ अब ये जो एक सिंगल डिस्क है, ये जो सिंगल डिस्क है इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखिए, ऐसा है दिखने में. ओके, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर सेक्टर और ट्रैक होता है. सेक्टर इज दिस एरिया, ये जो एरिया है एक पाई, ये ट्रायंगुलर एरिया इज अ सेक्टर. दिस ट्रायंगुलर एरिया इज अ सेक्टर, वेयर एज दिस सर्कुलर एरिया इज ट्रैक. मीन्स ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, सर्कल ये एक ट्रैक है. मीन्स
अगर हम सेक्टर्स की बात करें, कितने सेक्टर्स हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 4, 8, देर आर 8 सेक्टर्स इन दिस डिस्क। एक डिस्क के एक साइड में 8 सेक्टर हैं, और हर एक सेक्टर में कितने ट्रैक हैं? 4। हर एक सेक्टर में कितने ट्रैक हैं? 4। 1, 2, 3, 4। ओके, हर एक सेक्टर में 4 ट्रैक हैं। तो डेटा जो यहां पर लिखा होगा इतने एरिया में, ओके, जो डेटा इस एरिया में लिखा होगा वो इस पर्टिकुलर सेक्टर नंबर से और ट्रैक नंबर से एक्सेस किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल होम है, कोई होम हाउस एड्रेस है या फैक्ट्री का एड्रेस है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? कौन से सेक्टर में है, ओके, कौन सी रोड पर है, कौन से प्लॉट पर है, ऐसे ही तो यहां पर भी वही है। प्लॉट इज ट्रैक एंड एरिया इज सेक्टर। ओके, इज ट्रैक एंड एरिया इज सेक्टर। नाउ दिस इज अ रीड राइट हेड। एक रीड राइट हेड का मतलब जो मैंने अभी बताया था आपको, सीडी ड्राइव अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर एक लेंस मिलता है, दैट लेंस इज नोन एज अ रीड राइट हेड। ओके, दैट रीड राइट हेड इज पोजिशन। रीड राइट हेड जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है इस केस में, अगर उसको यहां रीड करना होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ यहां से यहां आएगी। ओके, तो एक केबल से कनेक्ट होता है, वो केबल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और एक्सपैंड हो सकती है, दैट केबल इज कॉन्ट्रैक्टेबल एंड एक्सपैंडेबल, और वो कॉन्ट्रैक्टेबल और एक्सपैंडेबल एज पर द नीड होती है, एज पर द नीड। अगर आपको ये वाली लोकेशन एक्सेस करनी है तो एक्सपैंड होगी, और ये वाली लोकेशन एक्सेस करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, बिल्कुल आउटर साइड आ जाएगी। दैट डिपेंड्स कि केबल अगर यहां से कनेक्टेड है तो इस केस में एक्सपैंड होगी, और अगर केबल लास्ट से कनेक्टेड है तो इस केस में एक्सपैंड होगी। ओके, ऑल डिस्क रोटेट्स टूगेदर एट हाई स्पीड आर नॉट स्टॉप्ड और स्टार्टेड फॉर एक्सेस पर्पस। सारी डिस्क एक साथ रोटेट होती है, हाई स्पीड पर रोटेट होती है। जो रीड राइट हेड है वो चेक करता है कि कौन सी डिस्क पर कौन सा डेटा आपको रखना है। नाउ अ कॉन्सेप्ट इज देयर ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन, लिसन केयरफुली। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव से कुछ डेटा कॉपी कर रहे हैं अपने हार्ड ड्राइव में, नाउ व्हाट विल हैपन, लाइक दैट फाइल इज ऑफ 2 GB, तो जरूरी नहीं है जो आप उसको कॉपी कर रहे हो तो हार्ड डिस्क में पूरा 2 GB स्पेस एक साथ मिले, या कोई सेक्टर का कोई 2 GB का ही हो, तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में वो डेटा हार्ड ड्राइव पर स्टोर होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होके वो डेटा हार्ड ड्राइव पर स्टोर होगा। जब आप उस फाइल को रीड करोगे तो उसका इंडेक्स तैयार होगा, कौन सा पोर्शन किस पर्टिकुलर लोकेशन पे, मान लो कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ है, ये एक डिस्क में है, फिर ऐसे ही कुछ दूसरी डिस्क में अलग अलग जगह पड़ा है, तो इनका सबका इंडेक्स तैयार करना पड़ेगा। जब आप उसको फर्दर रीड करना चाहते हो लेटर ऑन, तो इंडेक्स पहले ही तैयार हो जाएगा उस पर कहाँ कहाँ सेव किया है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, डेटा टुकड़ों में जब हार्ड ड्राइव पर कॉपी होगा दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। There is a utility in your computer that is known as disk defragmentation. Disk defragmentation. Now, अगर आपका computer slow हो रहा है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारा data है जो अलग अलग टुकड़ों में पड़ा हुआ है, बहुत सारे indexes हैं, अब वो indexes आपस में mismatch हो रहे हैं, कहाँ data है, क्या है। अगर for example आपको किसी subject के notes नहीं मिले, एकदम sequential order, अलग अलग books में अलग अलग topic अलग अलग जगह से ढूंढना पड़े, तो obviously उसमें आपको परेशानी होगी, ओवरहेड होगा, और वही वैसे ही ओवरहेड कंप्यूटर को भी होता है अगर कंप्यूटर को भी सारा का सारा डेटा एक साथ एक जगह नहीं मिले तो। ओके, सो डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, डीफ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है, सभी इंडेक्सेस को रीड करता है, वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो इट विल टेक आवर्स, बहुत सारा टाइम लगेगा, हो सकता है कई घंटे भी लगे उसको कंप्लीट होने में। Now what it will do, वो सभी indexes read करेगा और check करेगा जो जो data अलग अलग बिखरी हुई positions पे पड़ा हुआ है उनको सबको एक साथ एक जगह डालेगा। After doing defragmentation, you will see that your computer is executing faster than earlier, पहले से ज्यादा अच्छे से execution हो रही होगी, speed थोड़ी improve कर जाएगी, moreover hard disk का space भी थोड़ा सा free हो जाएगा। और ये सब क्यों होगा, ये सब इसलिए होगा बिकॉज इंडेक्सेस फ्री हो जाएंगे,
एक्सेस मतलब अलग अलग फाइलें कौन सी कहाँ रखी हुई, आपने सबके लिए पहले एक इंडेक्स बनाया हुआ है, ये फाइल यहाँ, ये फाइल यहाँ, ये फाइल यहाँ। अगर सारी फाइल एक साथ रखी हो तो इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, मोर ओवर जब सारी चीजें सारे पोर्शंस एक साथ मिलेंगे तो कंप्यूटर को टाइम नहीं लगेगा फालतू इधर उधर ढूंढने में, कंप्यूटर को फालतू इधर उधर ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, जिससे टाइम वेस्ट हो रहा था जो वो बचेगा, इट मींस जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर हो जाएगी। क्लियर? ट्रैक्स, ट्रैक्स का मतलब क्या है? बिट्स आर स्टोर्ड इन मैग्नेटिक सरफेस, बिट्स आर स्टोर्ड इन मैग्नेटाइज्ड सरफेस इन स्पॉट्स अलोंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है? दिस इज, ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसको ट्रैक बोलेंगे। ओके, सेक्शन, सेक्टर्स, सेक्शंस और सेक्टर्स। ट्रैक्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू सेक्शंस कॉल्ड सेक्टर्स। ओके, सेक्टर इज मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी ट्रांसफर्ड। एक साथ पूरा सेक्टर ट्रांसफर किया जा सकता है इंफॉर्मेशन में। ओके, ये पूरा जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, फॉर योर नॉलेज इट विल बी वेरी हेल्पफुल, एंड ये जरूर पढ़ना चाहिए आपको, बिकॉज इससे कॉमन जो आपके कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगी, रिंग योर मेमोरी यूनिट्स एंड ऑल। ओके, सम डिस्क आर यूज्ड सिंगल रीड राइट हेड। कुछ डिस्क में सिंगल रीड राइट हेड होता है। ओके, मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, पहली वाली रीड करेगा फिर दूसरी वाली में करेगा। सम डिस्क यूज सेपरेट रीड राइट हेड फॉर ईच ट्रैक, मींस इसके लिए अलग हो गया, इसके लिए हो गया, इसके लिए अलग हो गया। तो अगर अलग अलग होंगे तो ज्यादा फास्टर होंगे, बट जितने ज्यादा होंगे उतने ही कॉम्प्लिकेशंस भी इंक्रीज होंगी, उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होंगी। ओके, एड्रेस बिट्स इन डिस्क सिस्टम स्पेसिफाइज। जो एड्रेस होगा, अगर किसी डेटा को स्टोर कर रहे हो एड्रेस, तो एड्रेस कैसे, क्या क्या चीजें रखेगा? फर्स्ट डिस्क नंबर, एज देयर आर मल्टीपल डिस्क, कौन से डिस्क पे स्टोर हो रहा है। डिस्क सरफेस, हर एक डिस्क में दो सरफेस है, टॉप बॉटम। पहली डिस्क में है, ठीक है, कहाँ है? टॉप पे है, बॉटम पे है? टॉप पे है। अच्छा, कौन से ट्रैक में है, कौन से सेक्टर में है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस एड्रेस में होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन उस एड्रेस में होगी जो एड्रेस उस पर्टिकुलर डेटा का होगा। ओके, जब भी आप कोई रीड राइट ऑपरेशन करते हो तो वो ये एड्रेस जो रीड करेगा उस एड्रेस में ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ होगी। ओके, आफ्टर रीड राइट हेड आर पोजिशन। पोजिशन मीन्स कहाँ उनको रीड या राइट करना है, वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं उस स्पेसिफिक ट्रैक में। सिस्टम हैज वेट अंटिल रोटेटिंग डिस्क रीचेज द स्पेसिफाइड सेक्टर। अब है, पहले हेड की पोजीशन होगी, उसके बाद सेक्टर की पोजीशन होगी। हेड पहुंच गया, अब वो रोटेशन पर चेक करेगा, जब वो सेक्टर वहां आ जाएगा तब आपका रीड राइट ऑपरेशन होना स्टार्ट होगा। ओके, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी वो बहुत फास्ट होगी, बिगिनिंग ऑफ सेक्टर हैज बीन रीच्ड। जैसे ही आपके पास कंप्लीट एड्रेस रीच होता है, सेक्टर ट्रैक सब मिल जाता है, तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। डिस्क हैव मल्टीपल हेड्स एंड साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ बिट्स फ्रॉम सेवरल ट्रैक्स एट द सेम टाइम। वही जो चीज अभी भी है कि जो भी डिस्क है, पहली बात तो मल्टीपल हेड होंगे। मल्टीपल हेड होने का मतलब क्या है? एक से ही सारी कम्युनिकेशन नहीं होगी, अलग अलग हेड अलग अलग सरफेस को रीड करेंगे और साइमल्टेनियस ट्रांसफर करेंगे। लाइक कुछ पोजिशन, कुछ पोर्शन, सॉरी, जो डेटा आप रीड करो, कुछ पोर्शन टॉप साइड पे तो टॉप हेड करेगा, कुछ पोर्शन बॉटम साइड पे तो बॉटम हेड करेगा। अलग अलग हेड है तो दोनों अलग अलग काम करेंगे। ओके, डेंसिटी, डेंसिटी इतना ज्यादा डेटा आप सेव कर रहे हैं। अ सेक्टर इन अ गिवन ट्रैक, अ सेक्टर इन अ गिवन ट्रैक नियर सर्कमफ्रेंस इज लॉन्गर देन अ सेक्टर नियर द सेंटर ऑफ डिस्क। ये वाला जो सेक्टर का एरिया है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ओके, सो डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जितना ज्यादा एरिया है उतनी ज्यादा डेंसिटी है। ओके, इफ बिट्स आर रिकॉर्डेड विद इक्वल डेंसिटी, सम ट्रैक्स विल कंटेन मोर रिकॉर्डेड बिट्स देन अदर। अगर सब में इक्वल अमाउंट का डेटा रखेंगे तो जो छोटे वाले सेक्टर्स हैं उनमें कम आएगा और जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें ज्यादा डेटा आएगा। टू
to make all records in a sector of equal length. Some disk use a variable recording density. अगर सब में आप एक जैसा डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आपको डेटा वेरिएबल लेंथ का लेना पड़ेगा, सो दैट अगर छोटी लेंथ है तो छोटा डेटा, बड़ी लेंथ है तो बड़ा डेटा. लोअर डेंसिटी लोअर नंबर ऑफ बिट्स, हाइयर डेंसिटी विद हाइयर नंबर ऑफ बिट्स. ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक टेप, कंप्लीट ऑपरेशन वैसा ही रहेगा. ये टेप की फॉर्म में है, टेप में क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होगा एंड इंफॉर्मेशन जो होगी वो उस पर एक ही साइड पर स्टोर की जाएगी. मैग्नेटिक डिस्क आर बोथ साइडेड एक्सेसिबल, वेयर एज मैग्नेटिक टेप इज ओनली वन साइडेड एक्सेसिबल. द मेन डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क इज मैग्नेटिक डिस्क में इंफॉर्मेशन दोनों साइड लिखी जाती है, वेयर एज मैग्नेटिक टेप में एक ही तरफ कोटिंग होती है और उसी तरफ जहां कोटिंग करी आपने मैग्नेटिक कोटिंग वहीं पर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है. मैग्नेटिक टेप इज वन साइडेड एक्सेसिबल. ओके, नेक्स्ट इज वर्ड मेमोरी विच वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लास. वेल, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग. प्लीज फील फ्री टू आस्क फॉर क्वेरीज. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.